हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ केवीपीवाई 2020 एसए स्ट्रीम क्वेश्चंस। अ माउस जंप्स ऑफ फ्रॉम द 15th फ्लोर ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग एंड लैंड्स 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एज्यूम दैट ईच फ्लोर इज ऑफ 3 मीटर हाई। द हॉरिजॉन्टल स्पीड विद व्हिच द माउस जंप्स इज क्लोज टू। अब हमें पता है यहाँ पे कि हाइट जो है वो 3 मीटर है ईच फ्लोर की, तो 15th फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी। सो क्या मैं कह सकता हूँ जो टोटल हाइट हो गई कैपिटल एच वो हो गई 15 × 3, दैट वुड गिव मी 45 मीटर। करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। सो व्हाट डू आई नो, आई नो ये हाइट 45 मीटर है, यहाँ पे माउस जंप कर रहा है और क्या बोला गया कि 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग ये गिरता है। सो दिस लेंथ इज गिवन एज 12 मीटर। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जिससे ये कूदा। सो क्या मैं कह सकता हूं कि 12 अपॉन वी होगा टाइम जो कि लगेगा इस माउस को नीचे तक आने में, और यही टाइम बराबर किसके होगा, अंडर रूट ऑफ 2 × h/g। यहां से व्हेन वी सॉल्व इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 12 × 2 × 45/10। दिस वुड कम आउट टू बी 4 m/s। इसको अगर हम किलोमीटर पर आर में बदल दें तो क्या आ जाएगा, 4 × क्या करेंगे भाई जल्दी बताएं, मीटर की जगह पे 1000 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3600 × 18/5, राइट। सो 4 × 18/5 ये कितना आ जाएगा आपके पास। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास सबसे नियर आंसर जो है वो आ जाएगा 5 km/h। लुकिंग एट द ऑप्शंस, बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ओके, द क्वेश्चन इज कंसीडर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेशियो ऑफ रेडियस टू बी 2:1। ओके, सो R1/R2 की वैल्यू कितनी दे दी, 2:1। If the two wires are stretched by equal force, the ratio of stress produced in them is okay. So मैंने कहा एक वायर को अगर मैं खींचता हूँ फोर्स लगा के तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, तो स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, जहां पे एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है और पाई तो कॉन्स्टेंट है ही सही। तो क्या मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस ऑफ 1/stress of 2 इज इक्वल टू R2/r1/2 विच कम्स आउट एज 1/4, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सबमरीन हैज अ विंडो ऑफ एरिया 30 × 30 cm² ऑन इट सीलिंग एंड इज एट अ डेप्थ ऑफ 100 m बिलो सी लेवल इन अ सी। If the pressure inside the submarine is maintained at sea level atmospheric pressure, then the force acting on the window is okay. So हमें density of seawater दे रखी है, acceleration due to gravity भी दे रखा है। So क्या मैं कहता हूँ, अगर पानी यहाँ तक भरा है और मेरे पास suppose submarine की window यहाँ कहीं है, so if water is filled in this, और मुझे कहा गया कि submarine की जो window है वो किस डेप्थ पे है भाई, यहां पर है पानी, वो किस डेप्थ पे है 100 m, और अंदर से इस पे P0 × A लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है, P0 + ρgh × A। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट वुड बी इक्वल टू P0 + ρgh × A - P0 A, ये सारा का सारा फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा। करेक्ट, तो P0 A और P0 A तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ρgh × A। रो की वैल्यू 1.03 × 10³, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 100, एरिया की वैल्यू 900 × 10⁴। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट दिस वैल्यू एज द फाइनल आंसर जो कि इस पे लग रही फोर्स है। ठीक है, लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
spacecraft which is moving with a speed u related to the Earth in the x direction enters the gravitational field of a much more massive planet which is moving with a speed of 3 u in the negative x direction. The spacecraft exits following the trajectory as shown below. Okay. So let us say कि हमारे पास यह एक पार्टिकल वन है जो कि इस तरफ जा रहा है और यह एक पार्टिकल टू है. इस तरफ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं और इस तरफ हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं. अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कैसे टाइप ऑफ कोलिजन करेगी, इलास्टिक. सो ई इज इक्वल टू वन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी डैश है तो क्या मैं कहूंगा, वी डैश माइनस 3 u करेक्ट अपॉन 3 u माइनस ऑफ u. यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वी डैश की वैल्यू आ गई 7 u और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. लुकिंग एट द ऑप्शंस ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही हो जाएगा. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वाज फ्लिप्ड बाय 180 डिग्री अ मिलियन इयर्स अगो. दिस फ्लिप वाज रिलेटिवली रैपिड एंड टुक 10 टू द पावर 5 इयर्स. द एवरेज चेंज इन ओरिएंटेशन पर ईयर ड्यूरिंग द फ्लिप वाज क्लोजेस्ट टू. अब हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 3600 आर्क सेकेंड. कितना होता है 3600 आर्क सेकेंड्स. तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 टू द पावर 5 इयर्स में कितना घुमा एंगल, 180 डिग्री करेक्ट. सो एक साल में कितना घूमेगा, 180 इंटू 3600 आर्क सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 पर ईयर घूमेगा करेक्ट. इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आ जाएगा मेरे पास, तो कैन आई राइट डाउन 18 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 करेक्ट. अब सॉल्व करें इसको तो कितना होगा भैया, ये अप्रोक्सीमेटली दिस वुड कम आउट टू बी 5 सेकेंड के आसपास. ठीक है ना, 5 सेकेंड पर ईयर. ओके, सो लुकिंग एट द ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे. The platelets are drifting with the blood flowing in a streamlined flow through a horizontal artery as shown below. Artery is contracted in region 2. Choose the correct shape. अब हमें पता है region 1, 2 और 3 में main difference क्या है, area of cross section का. So क्या मैं कह सकता हूँ, area of cross section of 1 is greater than area of cross section of 2 and area of cross section of 3 is greater than area of cross section of 2. अब based on area of cross section क्या हम कह सकते हैं, by equation of continuity क्या मैं कहूंगा a इंटू वी जो होता है वह कॉन्स्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी एट 1 मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी एट 2, सिमिलरली वेलोसिटी एट 3 मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी एट 2. देखिए मैं क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, और अगर ऐसा है तो प्रेशर एट 1 मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट 2 एंड प्रेशर एट 3 मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट 2. ठीक है, इसका मतलब As the platelets enter a constriction, the platelets get squeezed closer together in a narrow region and hence the fluid pressure must raise there. नहीं, fluid pressure तो कम हो रहा है. As the platelets enter a constriction, fluid pressure is lower there, correct? The artery's cross section is smaller in the constriction and thus the pressure must be larger there because pressure equals the force divided by area. False हो जाएगा. Pressure same on all parts नहीं. Hence the correct answer is option B. ठीक है? Which of the following colorful patterns is due to diffraction of light? अभी जब हम diffraction की बात करते हैं तो we know diffraction के अंदर single slit diffraction हमारे syllabus के अंदर है, और उसके अंदर क्यों होता है diffraction? If light encounters an obstruction or obstacle which is comparable to the wavelength of light. जब मैं rainbow की बात करता हूँ तो rainbow में कोई diffraction नहीं होता, refraction होता है और TIR होता है. White light dispersed through a prism में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है. Colors observed on compact disc, बिल्कुल ये जो चिकनी सर्फेस होती है compact disc की उसके पीछे की तरफ बहुत चिकनी सर्फेस होती है, तो उससे क्या होता है उसकी जो खुरदरापन है वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाती है, इसलिए सही हो जाएगा. ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग के कारण होता है. Hence the correct answer is option C. Two balls are projected with the same velocity but with different angles with the horizontal. The ranges are equal. If the angle of projection of one is 30 degree and maximum height is h, then the maximum height of other will be. थोड़ा दिमाग लगाएं यहाँ पे. मैं कहता हूँ, एक का angle of projection है 30 degree और एक का angle of projection है 60 degree, तभी तो उनकी ranges same होगी, correct? क्या मैं कहूँगा, h is equal to u square into sine square 30 upon 2g.
एंड कैपिटल है जो कि मुझे निकालना है इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, ये कितना आ जाएगा? इन्हें डिवाइड करना है, सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। तो क्या मैं कहूंगा कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 कितना होगा भाई 3/4 और साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1/4 करेक्ट देख लो। तो क्या यहाँ से इस कैपिटल एच की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3 × h और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा लुकिंग एट द ऑप्शंस। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत एंड चौथा गलत, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर बिलो शोज अ शैम्पू बॉटल इन अ परफेक्टली सिलेंड्रिकल शेप। In a simple experiment, the stability of the bottle filled with different amount of shampoo volume is observed. The bottle is tilted from one side and then released. Then the angle theta depicts the critical angular displacement resulting in the bottle losing its stability and tipping over. Choose the graph correctly depicting the fraction f of the shampoo filled. ठीक है भाई, तो मान लेते हैं हमारा शैम्पू यहाँ कहीं पे फिल्ड है और इसका फ्रैक्शन है fl। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पूरे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना? और अगर इसको हमें गिराना है तो क्या मैं कहूंगा कि इसका जो सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर यहां से पास करेगा तब तो ये नहीं गिरेगा, इससे हल्का सा भी और आगे चला जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है विच इज लेट अस से y, ये किसके बराबर होगी? ये होगी टोटल मास के बराबर है, कुछ नहीं देखा। तो मान लेते हैं हमारी बॉटल का मास है स्मॉल m, ठीक है, प्लस इनटू l/2, l l क्या है, l है पूरी लेंथ, प्लस डेंसिटी इनटू एरिया इनटू fl, ये तो आया लिक्विड, इनटू fl/2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा भाई मैं, डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस रो a fl, ठीक। अब मुझे पता है ये वैल्यू है r और ये वैल्यू है थीटा, सो कैन आई राइट डाउन That tan theta is equal to r upon y, y की वैल्यू हमें पता ही है, so m plus rho a f l into r upon m into l/2 plus rho a f square l²/2, देख लो भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएगा हम, so क्या मैं कह सकता हूँ f की वैल्यू 0 और 1 पे, f की वैल्यू 0 और 1 पे क्या आ रही है बताओ, क्या ये l/2 आना चाहिए? यहाँ पे y की वैल्यू क्या l/2 आनी चाहिए बताओ सब जने, और यानी tan theta की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू हो गई। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई कैन एक्चुअली कैटेगराइज, क्यों ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। At a height of 10 km above the surface of the earth, the value of acceleration due to gravity is same as that of particular depth below the surface of the earth. Okay, so हमें क्या पता है कि g of h is equal to g of t. g of h कितना होता है? g 1 minus of 2h by r is equal to 1 minus of d by r into g. Correct. g से g उड़ा दो, 1 से 1 उड़ा दो, क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा कि 2h is equal to d which is equal to 20 किलोमीटर और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन वर्सेस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस थीटा फॉर अ सेटअप। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन द सेटअप इज, हमें क्या पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, ओके 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस का फार्मूला हो गया। अगर मैं इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करें, u से मल्टीप्लाई कर लें, सो u बाय f प्लस 1 इज इक्वल टू u बाय v। अब u बाय v क्या होता है, मैग्निफिकेशन का इनवर्स, यानी ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी है y लिखी है और ये क्या है, ये है x। तो कैन आई राइट डाउन y इज इक्वल टू x बाय f माइनस ऑफ 1, जहां पे f इज व्हाट, f इज स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, यहां से लेके यहां तक स्लोप इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट। यहां तक क्या एकदम क्लियर है, ठीक है? अच्छा ये नहीं है, ये 1/f है, इंप्लाइज क्या आ गया, f की वैल्यू आ गई 0.004 मीटर और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अ सर्कल से परफॉर्मर थ्रोज एन एप्पल टुवर्ड्स अ हूप हेल्ड एट 45 मीटर हाइट बाय अनदर परफॉर्मर स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, द थ्रोअर एम्स फॉर द लूप एंड थ्रोज द एप्पल विद अ स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड, एट द एग्जैक्ट मोमेंट द थ्रोअर रिलीज द एप्पल द अदर परफॉर्मर ड्रॉप्स द हूप फॉल्स स्ट्रेट डाउन, इफ एट व्हाट हाइट Above the ground, does the apple go through the hoop? Okay, तो हमें ये निकालना क्या है? अगर मैं हूप पे जाके बैठ जाऊँ तो क्या मुझे इसका acceleration, relative acceleration zero लगेगा? तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ velocity दिखेगी? तो क्या इस समय पे मैं कह सकता हूँ कि मान लेते हैं मुझे basically time निकालने में interest है, तो time की value हो जाएगी under root of 45 का square plus 25 का square, ये तो है distance, speed कितनी है? Speed है 24, ठीक। अब जैसे ही 24 आ गया आपके पास, आपको क्या निकालना है, कितना हाइट नीचे गिरा, तो मान लेते हैं ये रिंग जब यहाँ पे गिरी होगी स्मॉलेस्ट हाइट, तब ये इसके ऊपर एप्पल निकल गया होगा, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 45 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन 24 का होल स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 23 मीटर आती है, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मेरा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 45 माइनस ऑफ 23 आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर डिड नॉट चेंज। अब फिर दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने कहा कि इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, यहां तक कुछ करंट आ रहा होगा, और यहां पे जो करंट जा रहा होगा वो होगा 300 I अपॉन 300 प्लस R, सिमिलरली यहां पर भी करंट जा रहा होगा, तो यहां पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 300 I अपॉन 500 प्लस R, देख लो भी यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे क्या बोला हमसे, हमसे बोला आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से हमें आर की वैल्यू आए ताकि दोनों के दोनों वोल्टेज सेम रहे, सो पहले मैं कह रहा हूँ ए का वोल्टेज और बी का वोल्टेज एक साथ मिलता है, दोनों को इक्वेट कर देता हूं, कितना आएगा भैया, तो ये आएगा 300 अपॉन 300 प्लस आर, ठीक है, इनटू आई, आई क्या है भैया, आई है वोल्टेज अपॉन 300 प्लस 300 अपॉन 300 प्लस आर, प्लस आर इंटू आर भी आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 300 अपॉन 500 प्लस आर इंटू 10 अपॉन कितना लिखेंगे वो यहाँ पे 100 प्लस ये कितना हो जाएगा बताएं अभी, सो ये हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है नहीं, तो 300 इंटू 200 प्लस आर अपॉन सही मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे एडिशन कर दो, तो 500 प्लस आर इंटू आर, इंटू आर क्यों भाई रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस निकाल रहे ना, इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आर की वैल्यू आती है 100 ओम, यानी ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, लुकिंग एट द ऑप्शंस ए सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रॉक्सिमेटली, ये सारी वैल्यूज रखी, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, सो एफ ऑफ जी अपॉन एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ ई कितना हो जाएगा, के क्या लिखेंगे मैं बताओ, तो एक तो आया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, सो के इनटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट 24 इनटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 44, ठीक है, ये वैल्यू आती है मेरे पास, लुकिंग एट द ऑप्शंस ये सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलिए, अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ स्क्वायर एनक्लोजर विद मिरर्ड इंटीरियर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, for some value of theta i, the beam is reflected by every mirrored wall exactly once and emits the enclosure through the same hole, which of the following statements about the beam is correct? अब इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सोचेंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या मुझे इस क्वेश्चन को देखकर एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर लाइट रे एंटर कर रही है
तो वो तभी निकल पाएगी जब सेम पॉइंट से ये फाइनली आ जाए मेरे पास, करेक्ट? देख लो प्रॉब्लम, यानी ये जो एंगल थीटा आई, ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। बताओगे क्या इतना क्लियरिटी है? ठीक है, अब इस वाले एंगल को अल्फा मान रहा हूं, तो इस वाले एंगल को भी अल्फा मान रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ थीटा आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू। सिमिलरली इसको मैं बीटा मान सकता हूँ, इसको मैं गामा मान सकता हूँ, इसको गामा, इसको बीटा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में? अगर यहां तक समझ में आ गया तो कहना इसे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, करेक्ट? यहां तक क्लियर? हमने कहा बेस्ड ऑन दिस क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा भी पाई बाय टू है एंड बीटा प्लस गामा भी पाई बाय टू है, करेक्ट? सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई डी, इम्प्लाइज वॉट? इम्प्लाइज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन एफ ई, विच इज इक्वल टू वॉट? अगर मैं इसको एक्स और इसको वाई मान लू, सो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ क्या लिखेंगे भैया, एल माइनस ऑफ एक्स अपॉन एल माइनस ऑफ वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर आ जाती है, और एक्स की वैल्यू वाई के बराबर आ गई तो पाई बाय फोर पे एग्जैक्टली निकल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी सही एंड डी गलत, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।